फर्स्ट स्टूडेंट एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं। डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। एपी का जो थर्ड टर्म है वो कितना है? 16 है। A3 की जो वैल्यू है वो 16 है। और आप जानते हो कि A3 को लिखने के लिए हम लिखते हैं A+2D। A3 को एक्सप्रेस करना हो तो A+2D इज इक्वल टू कितना होगा? 16। और ये इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू। एंड द सेवेंथ टर्म एक्सीड्स, और इसका सेवेंथ टर्म अगर हमें ये लिखना हो कि सेवेंथ टर्म क्या है तो हम यहाँ लिखेंगे कि A+60। ए प्लस क्या जाएगा? 6D हो जाएगा, ठीक है ना। अब जो क्वेश्चन बन रहा है वो ये बन रहा है कि A7 से A3 को माइनस किया तो 12 हो जाएगा। एक्सीड्स का मतलब यहाँ पर माइनस करना होता है। तो A+6D, ठीक है ना, A+6D हो गया। और यहाँ पर कितना है? 3D। A+6D यहाँ पर थर्ड टर्म है तो A+3D जाएगा। यहाँ पर माइनस A+2D इज इक्वल टू कितना हो गया? 12 हो गया, ठीक है ना। A+2D यहाँ पर सेवेंथ टर्म एक्सीड्स फिफ्थ टर्म। यहाँ पर ये फिफ्थ टर्म है, ठीक है ना। तो फिफ्थ टर्म की जगह पर आप क्या लिख देंगे? यहाँ पर 4D लिख देंगे। A+2D इज इक्वल टू 16 हो गया। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो A7 है वो A+6D लिखा जाएगा, और ए फिफ्थ टर्म जो है वो लिखेंगे A+4D, राइट। तो A+6D A+5D यहाँ पर A+7 और यहाँ पर आप लिख दें A5, कितना हो गया? 12 हो गया। अब देखें यहाँ से आपने ब्रैकेट खोला 6D और ये जाएगा -A -4D। माइनस यहाँ पर है इसे माइनस जाएगा इज इक्वल टू 12। ए से कैंसिल हो गया, 6 से 4 गया, कितना हो गया? 2D हो गया इज इक्वल टू 12 हो गया। 2D इक्वल टू 12। तो D की जो वैल्यू होगी कितनी जाएगी? 12/2 इज इक्वल टू 6। D कितना हो गया? 6 हो गया। Putting D in equation 1 में आप रख दें तो आपको मिल जाएगी A की वैल्यू A+2 × 6 इज इक्वल टू 16। A 6 × 12 = 16। A इज इक्वल टू 16 प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। A इज इक्वल टू कितना हो गया? 4। आपके पास A की भी वैल्यू आ गई और D की वैल्यू आ गई। आपको A भी पता है और D भी पता है। अब आपसे उन्होंने पूछा डिटरमाइन द AP, तो AP के लिए A1 कितना है? 4। A2 जानने के लिए क्या करेंगे? 4+ यहाँ पर A1 प्लस D, तो 4+D कितना है? 6। तो कितना जाएगा? 10। अगर हमें A3 फाइंड करना हो तो A2 प्लस D करेंगे और यहाँ पर 10+6 क्या जाएगा? 16 हो जाएगा। अगर इस तरह से हमें AP फाइंड करना हो तो A3+D इज इक्वल टू 16+6, 6 × 6 = 12 और 1 × 1 = 2, ठीक है ना। तो जो हमारे APs होंगे AP इज इक्वल टू कितना हो गया? 4, 10, 16 और 22। इस तरह से हमारे AP मुझे मिल जाते हैं। उम्मीद है क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यहाँ पर कुछ नहीं है, क्वेश्चन में आपके A3 है, आपने क्वेश्चन बना लिया। A7 तो A+60 जाएगा, A5 को A+4D लिखा जाता है, और यहाँ पर अकॉर्डिंग टू कंडीशन A7 से A5 को माइनस करते हैं तो मिलता है 12। इस तरह से आपने D फाइंड कर लिया, और D फाइंड करके आपने D की वैल्यू को क्वेश्चन नंबर 1 में रखा तो आपको A मिल गया। जब A और D मिल जाता है तो इस तरह से आप अपना AP की सीरीज क्रिएट कर सकते हो। थैंक्स टू वॉचिंग।